अंबाला छावनी के फुटबॉल चौक पर आम आदमी पार्टी के द्वारा चित्रा सरवारा की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन किया गया। यह धरना निर्माण संबंधित घोटालों और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार को जगाने के लिए किया गया। चित्रा सरवारा ने कहा कि कितनी अजीब बात है कि 5 वर्ष के बाद भी स्टेडियम का कार्य तो पूरा हो नहीं पाया और घोटाले की राशि बढ़ती जा रही है। सरकार का भ्रष्टाचार और घोटालों पर नियंत्रण करने का दावा यहां फेल होता नजर आ रहा है। जो मुद्दा था स्पेशली खास तौर पे स्टेडियम से जुड़ा हुआ, वो 2 महीने पहले तकरीबन खुला है और उसमें बहुत से सवाल उठाए गए थे। 2 महीने पहले भी जब हमारा यहाँ पे जो ये फुटबॉल अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है, 115 करोड़ के करीब का प्रोजेक्ट है, उस वक्त ये दावा आया था कि 46 करोड़ का इसमें गबन घोटाला, किसी तरह की गड़बड़ हुई है और मात्र अधिकारियों में और ठेकेदार के बीच में इस पूरी जो है पूरी शिकायत को घुमाया जा रहा था। 2 महीने पहले हमारी एक ही मांग थी जिसमें हमने हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी को और गृह मंत्री और हमारे स्थानीय यहाँ के मंत्री अनिल विज जी से, जो उस वक्त स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, जब इस स्टेडियम से जुड़े हुए मैक्सिमम घोटाले की पेमेंट्स हुई हैं जो कि 2017 से लेकर 2019 तक, हमने उनको एक चिट्ठी लिखी कि इस मामले को ऐसे रफा दफा ना करा जाए, ये बहुत उच्च स्तरीय घोटाला है, इसमें उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। यही चिट्ठी हमने पीएम को भी लिखी और होम मिनिस्टर इंडिया को भी लिखी थी। उन पर कोई कार्रवाई किसी तरह की नहीं हुई गई। एक लोकल हम कहेंगे एक स्थानीय एक तरह की कमेटी बना दी गई 6 मेंबर की, जो अभी इसके बारे में उसकी सारी फाइंडिंग्स क्लियर किसी को आज तक नहीं हुई हैं। कुछ 2 महीने बाद आज इस घोटाले की कीमत कथित तौर पर जो एस्टिमेशंस सर्वे करने वालों के, इसमें इंक्वायरी करने वालों के, उनके शब्द ये हैं कि ये 66 करोड़ का घोटाला है, जो कि मैं कहूँगी तकरीबन 57% ऑफ द स्टेडियम कॉस्ट इसमें आज घोटाले की उस पर है। स्टील जो मंगाया गया उसके रेट दुगने तिगने करे जा चुके हैं। जो उसमें अमाउंट आनी थी वो आनी थी 33,000 क्विंटल और यहाँ पे जो मंगाई गई कागजों में जो वो देख पा रहे हैं वो 13,500 क्विंटल यानी कि 20,000 क्विंटल उसमें से गायब है और जो लगी पाई गई है जो इसमें लिखा हुआ है वो है तकरीबन 3,000 कुछ क्विंटल, 3,200 क्विंटल। तो ये तो दिखने में लग रहा है कि यहाँ पे 10% ही कागजों